रहा है कि हम ऐसे धर्म को कैसे स्वीकार कर दें जिस धर्म ने कभी हमें मंदिर में जाने के लिए खुली रूप से अनुमति नहीं दी है। कभी इस ताड़ना का अर्थ देखना हो जाता है, कभी इस ताड़ना का अर्थ पीटना हो जाता है, कभी इस ताड़ना का अर्थ शिक्षा हो जाता है, लेकिन ऐसी किताब राष्ट्रीय ग्रंथ बने इस बात के लिए तो हम लोग बिल्कुल भी तैयार। खाट पर बैठने तक का भी अधिकार नहीं था तो शिक्षा ग्रहण करना तो बहुत दूर की बात है। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है, तो हमने पिया है तो दहाड़ेंगे भी, और सुनने वालों को अपने कान मजबूत कर लेना चाहिए। जो ज्ञानी है तो वो तो हर चीज बता सकता है ना, वो आगे और पीछे सब कुछ बता सकते हैं, तो भारत को तो अब कष्ट विहीन हो जाना चाहिए। मोहन भागवत कह रहे हैं जाति जो है वो पंडितों ने बनाई है, क्या कहना है इस पर आपका? जी बिल्कुल, ऐसा बयान सुनने को मिला है मोहन भागवत जी द्वारा, तो हमारा उनसे विशेष आग्रह रहेगा कि जातिवाद ने बड़ा आतंक पूरे भारत में मचाया है, तो आप ये बयान अगर दे रहे हैं तो पंडितों ने ये शुरू किया है तो बेशक पंडितों को ही इसे ख़त्म भी कर देना चाहिए, जिसमें भारत के जो विकास में अवरोध पैदा हो रहा है वो फिर दोबारा पैदा ना हो। कई लोग कह रहे हैं यहाँ भी मोहन भागवत थोड़ा सा खेल खेल के ब्राह्मणों को बचा गए और पंडितों को फंसा गए। जी जी नहीं बिल्कुल, ये स्ट्रैटेजी हो सकती है उनकी, और वो क्यों हो सकती है आप सभी को ही मालूम है भी कि 2024 के जो चुनाव हैं उसको देखते हुए हो सकता है कि वो अपने बयानों को इधर उधर हेर फेर कर रहे हैं। डेफिनेटली ये तो उनकी मन की बात है, वही जान पाएंगे उन्होंने किस पक्ष में और किस संदर्भ में ये बात कही है। तमाम जो बुद्धिजीवी लिखे पड़े लोग वो कह रहे हैं जाति तो ब्राह्मणों ने बनाई है, तो फिर पंडितों को क्यों करे? पंडित तो कोई भी हो सकता है, विद्वान आदमी कोई भी पंडित हो सकता है ना? नहीं देखिए, अगर हम ऋग्वेद के अनुसार ऋग्वेद के 10वें मंडल की बात करें जहाँ पर वास्तविक रूप से वर्ण व्यवस्था को बताया गया है, तो उसमें डेफिनेटली यही है कि ब्राह्मण वर्ग यानी कि जो जो सबसे उच्च वर्ग माना गया है उस ब्राह्मण वर्ग की बात जो है आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जी द्वारा कही गई है। आप वर्ण की चर्चा कर रही हैं, वर्ण व्यवस्था को लेकर बड़ा विरोध हो रहा है और उसी को ध्यान में रखते हुए शायद मोहन भागवत जी ने ये बयान दिया है जी, क्या लगता है आपको? उसी को ध्यान में रखते हुए दिया? देखिए उसे ध्यान में रखते हुए दिया है या नहीं दिया है, देखिए ये जो व्यवस्था है ये बिल्कुल ऋग्वैदिक काल से चली आ रही है, लेकिन इसका जो दुष्प्रभाव है वो आज तक भी देखने को मिलता है। और अभी 2024 का चुनाव नजदीक है तो डेफिनेटली हमारा तो ये एक आकलन है कि उसे ज्यादा मद्देनजर रखते हुए इस बात को। रामचरितमानस को लेकर या मनुस्मृति को लेकर जो विमर्श हो रहा है देश में, जो आंदोलन कर रहे हैं खासकर पिछड़े, इस पर क्या कहना? देखिए इस पर ये बात कहना है कि रामचरितमानस आज से कई साल पहले तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई है, लेकिन अब समय समय पर उसकी विवेचना अलग अलग प्रकार से की जा रही है, और ये हो सकता है कि एज पर सिचुएशन उसके अर्थ बदल दिए जा रहे हैं, तो इस प्रकार का कोई अलंकार है नहीं, शायद है कि अब कोई नया अलंकार इसमें इजाद तो हो जाए। आप विरोध कर दिया समर्थन में रामचरितमानस? देखिए बिल्कुल, रामचरितमानस में कई सारी ऐसी बातें कही गई हैं कि जो विरोध करने लायक हैं, जिस प्रकार से अभी आपने देखा होगा कि ताड़ना का कई सारे अर्थ बता दिए गए हैं, कई बार उस ताड़ना को शिक्षा के संदर्भ में बताया गया है, कई बार ताड़ना को पीटने के संबंध में, लेकिन जब हम उसी चीज को हर एक चीज में बैठाने की कोशिश करते हैं तो कहीं भी वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाता है जी। लेकिन तमाम पंडित ब्राह्मण आरोप लगा रहे हैं कि ये पिछड़े जो हर खासकर एससी एसटी वाले ये समाज को बांट रहे हैं, दरार पैदा कर रहे हैं। देखिए एससी एसटी की समाज में दरार पैदा करने जैसी कोई नौबत है नहीं, ये इतिहास गवा रहा है कि जो पीड़ित और शोषित रहा है जब जब उसने आवाज उठाई है तब तक उसे आतंकवादी की नजरों से देखा गया। इसी प्रकार से इस समय भी है कि अब जब हमारा समाज पढ़ लिख गया है और सही और गलत की पहचान करने लगा है तो आवाज उठ रही है, और बेशक है कि बुद्धिजीवी लोगों को आवाज के बदले में सिर्फ आवाज के ही माध्यम से जवाब देना चाहिए। हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देख रहे हैं उनके सपनों पे आपने पानी फेर दिया। देखिए जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देख रहे हैं वो उनके लिए मेरा एक बात कहना है कि जहां आप हिंदू राष्ट्र को इतनी महत्व देते हैं वहां आप एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में क्या धारणा रखते होंगे? एपीजे अब्दुल कलाम यानी कि सीधा सीधा एक दिमाग में एक मुसलमान की तस्वीर आपके दिमाग में आती है तो कैसे आप उन्हें एक मिसाइल मैन के नाम से जान पाएंगे? हिंदू राष्ट्र ना हो इसीलिए बाबा साहब के द्वारा एक बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें और संविधान के रूप में दी गई थी संविधान की किताब, जिसमें यही बताया गया है कि आर्टिकल नंबर 25 इसी बात की हमें आजादी देता है कि आप जिस धर्म को चाहिए अपना सकते हैं। अभी तो कल की डेट में हो सकता है कि कोई मुस्लिम आके कह दे कि भाई अब हमें मुस्लिम राष्ट्र बनाना है, कोई क्रिश्चियन कह दे, इसीलिए जो संविधान है वो हर एक धर्म को एक प्रॉपर एक मान सम्मान की बात करता है। लेकिन अभी तक कहा जा रहा कि अंबेडकरवादी कहते हैं हम हिंदू नहीं है, अब पिछड़े भी कहने लगे हम हिंदू नहीं है, अखिलेश यादव कह रहे हैं हम तो शूद्र हैं, प्रीतम लोधी कह रहे हैं हम भी शूद्र हैं, स्वयं प्रसाद मौर्य कह रहे हैं हम भी शूद्र हैं जी, तो आपने तो एक क्रांति छेड़ दी ना देश में। देखिए ये क्रांति नहीं है, जब जब शिक्षा ने अपने पैर जमीन पर
पर गड़ाए हैं तब तक वो क्रांति की ही आवाज लगी है। इसी प्रकार से है आज की डेट में हर कोई पढ़े लिखे हैं, हर कोई इस बात से अवगत है कि जब भी शोषित वर्ग अपनी आवाज को उठाता है तो उन्हें पता नहीं क्यों एक क्रांतिकारी की भूमिका दे दी जाती है। और ये इतिहास गवा रहा है कि जो हमेशा शोषित और पिछड़ा रहा है वो हमेशा SC ST ही समाज रहा है। जा रहा अंबेडकरवादी गुमराह कर रहे हैं पिछड़ों को। देखिए अंबेडकरवादी क्या गुमराह करेंगे किसी को, वो अंबेडकरवादी यानी कि बुद्ध को मानने वाले और बुद्ध यानी कि बुद्धि। जब हमारे कोई भी बड़े नेता कोई भी मंत्री जब विश्व में जाते हैं तो वो कभी ये नहीं कहते मैं राम और कृष्ण की भूमि से आया हूँ, वहाँ पर परिचय दिया जाता है मैं बुद्ध की भूमि से आया हूँ। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम भी बुद्ध की भूमि से हैं। तो अंबेडकरवादियों को किसी अलग नज़र से ना देखते हुए हाँ पर बात जरूर मैं कहना चाहूँगी कि जब भी अंबेडकरवादी लोग किसी बात पर तर्क छेड़े तो उस तर्क का जवाब सिर्फ तर्क के ही आधार पर होना चाहिए। कहा जा रहा है कि जो तमाम जो अपने आप को हिंदू कहते थे अब वो हिंदू नहीं कह रहे हैं, तो इससे तो देखिए हिंदू हिंदू कहने का तात्पर्य तब बहुत अच्छा लगता है कि जब हिंदू आप भी हिंदू मैं भी हिंदू ये भी हिंदू सभी हिंदू है यानी कि सब एक समान है। लेकिन हिंदू के अंदर भी कोई ब्राह्मण है, कोई शूद्र है, कोई वैश्य है, कोई क्षत्रिय है और उसके बाद उनकी जो सम्मान में एक वर्चस्व है वो अलग अलग लेवल पर जब आ जाता है तो डेफिनेटली इस बात से ऐतराज होता है कि हम ऐसे धर्म को कैसे स्वीकार कर दें जिस धर्म ने कभी हमें मंदिर में जाने के लिए खुली रूप से अनुमति नहीं दी है। अभी मैं बात बताऊँ, मैं उत्तराखंड से हूँ और अभी लगभग एक महीने पहले की ही बात है उत्तराखंड में दोबारा से एक ऐसा केस आया है कि उत्तरकाशी के मनेरी ब्लॉक में एक व्यक्ति को सिर्फ मंदिर पे घुसने में बहुत ही बुरी तरीके से पीटा गया है। तो कैसे वो व्यक्ति मान ले कि वो भी हिंदू है जब उसे उस हिंदू भगवान के दरबार में जाने से मना कर दिया। लेकिन कहा जा रहा आप लोग जो हिंदू देवी देवता है जो हिंदू धर्म ग्रंथ है ना उनके खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र आप उनका उनको बदनाम कर रहे हैं। देखिए ये तो सोच के साथ देखिए ये सोच की बात है कि अगर हम लोग अंबेडकरवाद को फॉलो कर रहे हैं इट मींस हम हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म या कृष्ण धर्म को हम उसकी अवहेलना कर रहे हैं। अब मैं यही बात आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर आप हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को आगे बढ़ाते हैं तो क्या आप मुस्लिम और कृष्ण और इनका बिल्कुल पतनवाश करना चाहते हैं? ऐसा नहीं है। सिर्फ अपने धर्म को बढ़ावा देने का मतलब ये नहीं कि दूसरे के धर्म को नीचा दिखाना। और अंबेडकरवाद तो इस बात को बिल्कुल बुद्ध ने यही बात सिखाई है कि अपने धर्म की तारीफ करना और दूसरे के धर्म को नीचा दिखाना ये कोई भी धार्मिक कोई ये शिक्षा ही नहीं है। आप अपने समाज को आगे बढ़ाइए बिना किसी दूसरे के समाज को। सनातन को कमजोर करने की साजिश है आप लोगों की। देखिए साजिश जैसा कह रहे हैं राष्ट्र धर्म है सनातन धर्म और आप उसका विरोध करने में लगे। देखिए साजिश जैसा शब्द तो यहाँ पर कोई भी उचित मान्य नहीं रखता है क्योंकि जब जब आवाज उठाई जाती है तो इस प्रकार के शब्दों से उनको आलोचना ही जरूर की जाती है। अपनी बात रखना, अपने अधिकारों के लिए लड़ना अगर साजिश है तो शायद है कि इस भारत में फिर संविधान की कोई वैल्यू नहीं है जहां पर फंडामेंटल राइट्स को इतना वैल्यू दिया जाता है। तो संविधान कहां का तरह रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बना दो चमत्कारी बाबा। वही यही बात है ना कि अगर रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बना दिया जाए तो मैं ये सोचती हूं कि उन महिलाओं के ऊपर क्या बीतेगी जब वो उस ताड़ना शब्द को देखने के रूप में अगर महसूस करेंगे, उस ढोलक पे क्या बीतेगी, उस पशु पक्षी पर क्या बीतेगी जो ये कहता है कि हाँ अब इन्हें भी शिक्षित कर लेना चाहिए। आप लोग सार गलत निकालने आ रहे थे, आप लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, गवार हैं आप। वही मैं कह रही हूँ ऐसा कोई अलंकार अभी तक तो इजाद नहीं हुआ है। यदि हुआ है तो वो खुलकर सबके सामने आना चाहिए। कभी इस ताड़ना का अर्थ देखना हो जाता है, कभी इस ताड़ना का अर्थ पीटना हो जाता है, कभी इस ताड़ना का अर्थ शिक्षा हो जाता है। तो ये समय समय पर बदल रहा है, हो सकता है आने वाले 10 साल बाद इस ताड़ना का अर्थ कुछ और हो जाए। तो ऐसी किताबों को जिन्हें मानना है वो माने लेकिन ऐसी किताब राष्ट्रीय ग्रंथ बने इस बात के लिए तो हम लोग बिल्कुल भी तैयार। ये जो विमर्श पूरे देश में हो रहा है धर्म ग्रंथों को लेकर या जो वर्ण व्यवस्था को लेकर क्या इसी की आहट होगी मोहन भागवत को, इसी का डर सता रहा तभी वो बयान दे रहे हैं? देखिए ये तो उनकी भावना है कि उन्हें डर सता रहा है या क्या सता रहा है, पर ये बात जरूर है कि बाबा साहब की बदौलत आज हमें शिक्षा का अधिकार मिल पाया है, बाबा साहब की बदौलत आज हम शिक्षा को ग्रहण कर पाए हैं। वरना आप भी जानते हैं कि हमें तो खाट पर बैठने तक का भी अधिकार नहीं था, तो शिक्षा ग्रहण करना तो बहुत दूर की बात है। शिक्षा ही है, कहते हैं कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है, तो हमने पिया है तो दहाड़ेंगे भी और सुनने वालों को अपने कान मजबूत कर लेना चाहिए। योगी जी कह रहे हैं कि सनातन धर्म राष्ट्रीय धर्म है जी।
तो योगी जी के कहने से ही सिर्फ अगर सब कुछ हो जाता तो क्यों ना दूसरी संविधान की किताब लिख दी जाए। योगी जी ने ये बात कही है तो उनके बेशक अपने विचार हो सकते हैं, हम किसी के विचारों को नहीं बदल सकते, लेकिन भारत की एक परिभाषा है कि भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ जो है वो संविधान से बढ़कर कभी ना हो सका है और ना होएगा अन्यत, क्योंकि संविधान सबको एक समानता का अधिकार देता है, जिसे मैं समझती हूँ कि रामचरित मानस की अगर हम बात करें, यानी कि हिंदू एक हिंदू किताब है, तो उसमें आप मुस्लिम कैसे क्रिश्चियंस और कैसे अन्य धर्म के लोगों को आप एक समान। भारत का जो संविधान है ना, इसमें भारतीय संस्कृति नजर नहीं आती, ये विदेशों से कॉपी किया हुआ, ऐसे ऐसे तर्क दिए जाते हैं। देखिए अगर ऐसा लगता है तो उस समय के वो बुद्धिजीवी लोग और कहाँ थे, संविधान सभा में तो बहुत सारी कमिटीज बनी थी, बहुत सारी समिति बनी थी, झंडा समिति थी, बहुत सारी समिति थी, तो उस समय पर तो इसका कोई विरोध नहीं हुआ। और ये संविधान ऐसे व्यक्ति द्वारा लिखा गया है कि जिसे मैं कह सकती हूँ कि विश्व में ज्ञान के प्रतीक के नाम से जाना जाता है, तो यानी कि आप एक ज्ञानी व्यक्ति के ज्ञान पर आपको शंका हो रही है, तो या तो अगर कोई ऐसा और बुद्धिजीवी व्यक्ति आ जाता है तो वो बेशक अपना एक प्रस्ताव रख सकता है, क्योंकि संविधान को बनने में ही कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे, बहुत सारे देशों से पढ़कर संविधान लिखा गया है, और अब कोई भी व्यक्ति आकर कह दे कि हाँ ये संविधान गलत है और इसको चेंज हो जाना चाहिए, तो पहले उसे बाबा साहब के लेवल पर आना पड़ेगा और तब इस बात को कहना पड़ेगा। तो रोज कह तो रहे हैं ना, देखिए लोग, देखिए कहने से क्या हो जाता है, कहने से क्या हो जाता है, कहने से तो मैं भी बहुत कुछ कह सकती हूँ, मैं कह सकती हूँ कि महिलाओं को क्या है, भारत को पुरुष प्रधान देश न कहकर महिला प्रधान देश कह देना चाहिए, पर मेरे कहने भर से कुछ नहीं होता है ना। जब तक भारतीय संविधान इस भारत में जीवित है तब तक कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता कि कुछ भी आकर कुछ भी, हाँ विचार रखने की, कहते हैं ना आर्टिकल नंबर 19 विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, डेफिनेटली योगी जी क्या मैं भी कह सकती हूँ, कोई भी कह सकता है, लेकिन उस बात को बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ मान देना तो ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोगों ने एक आंदोलन और देश में छोड़ दिया कि नई संसद भवन का नाम डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर होना चाहिए। बिल्कुल डेफिनेटली। अच्छा इसमें ऐतराज वाली क्या बात है कि अगर हमने ये बात छेड़ी है तो हम भी इसी भारत के, नहीं आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, देखिए आंदोलन जैसा तो अभी तक नौबत नहीं आई है, लेकिन अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो बिल्कुल आंदोलन भी किया जाएगा, और हमारी मांग कोई गलत मांग नहीं है, बहुत जायज मांग है, और मैं तो चाहती हूँ कि जो आदमी इस बात का विरोध करे उसके पास बिल्कुल एक सटीक तर्क होना चाहिए, ये नहीं कि आपने कह दिया ये नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं के पीछे कारण, और हमारे पास लाखों और करोड़ों कारण है कि बाबा साहब के नाम पर क्यों होना चाहिए। जो रात के अंधेरे में बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ जाते हो, क्या नई संसद का नाम रख पाएंगे? हाँ बिल्कुल, संघर्ष जारी है। बाबा साहब को स्कूल में बैठने का अधिकार नहीं था, आज बाबा साहब हमारे बीच में नहीं है, उनकी मूर्तियों को समाज में रहने का अधिकार नहीं है, तो इसी से ही पता चलता है कि जो समाज में समानता है वो किस हद तक की है। अभी मैं पौड़ी जिले से हूँ, उत्तराखंड से, वहाँ पर भी हमारी एक अम्बेडकर पार्क है, वहाँ पर बाबा साहब की उंगली तोड़ दी गई, तो इससे पता चलता है कि किस प्रकार के सोच के लोग यहाँ पर रह रहे हैं, और यही बस एक कारण है कि जो न्यू पार्लियामेंट हाउस है वो बाबा साहब के नाम पर क्यों नहीं होना चाहिए। तो क्या बाबा साहब का सम्मान बढ़ जाएगा अगर पार्लियामेंट का नाम रख दिया, जो बाबा साहब के समाज का बढ़? देखिए ऐसा हो, एट्रोसिटीज की हमले बंद हो जाएंगे क्या? देखिए एट्रोसिटीज होना, उन्हें कम करना या खत्म करना या आगे होना, इट इज अनदर टॉपिक, बट अगर बात करते हैं कि पार्लियामेंट का हाउस का नाम क्या होना चाहिए, तो इस पर हर कोई अपने विचार दे रहा है, इसी प्रकार का विचार हमने भी दिया है, जिसको पूरे तर्क के साथ हमने दिया है कि बाबा साहब के द्वारा संविधान लिखा गया है, पूरा जो पार्लियामेंट है उसकी नींव ही संविधान पर टिकी हुई है, आर्टिकल नंबर 52 ये बताता है कि भारत का राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का विवरण देता है, यानी कि जो भारत का सर्वोच्च नागरिक है, तो ऐसी किताब जो हर एक व्यक्ति को एक पहचान दिलाती है, चाहे वो बड़ा है छोटा है, किसी भी धर्म लिंग का व्यक्ति है, तो ऐसी किताब को लिखने वाले व्यक्ति को डेफिनेटली ये सम्मान मिलना चाहिए। लोग कह रहे हैं मोदी जी के नाम पे रख देना चाहिए, तो बिल्कुल भारत में आप रह रहे हैं तो आप बिल्कुल इस बात को कह सकते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन जैसे हम महापुरुष मिले हैं ना, देखिए सदियों में ऐसे प्रधानमंत्री मिलते हैं देश, देखिए महापुरुष के लिए तो अभी थोड़ा उनको साबित करना, काफी संघर्ष उन्हें भी करना पड़ेगा, जिस राज्य से मैं आई हूँ उत्तराखंड, कभी आप उधर भी आइए शूट कीजिए, वहाँ के जितने भी युवा बेरोजगार है सड़कों पर आ चुके हैं, सिर्फ इस वजह से कि जिन योगी जी की आप बात करें, जिन मोदी जी की आप बात करें, हमारे यहाँ भी धामी जी हैं उनकी आप बात कर रहे हैं, तो
हमारे यहाँ जो भी परीक्षा होती है वो हर 5 और 6 साल में होती है, क्योंकि वो बिल्कुल पैरेलल होती है चुनाव के, कि चुनाव होगा तो परीक्षाएं होंगी। तो महापुरुष ऐसे काम नहीं कर, महापुरुष वो है कि जो हर दूसरे साल में विज्ञप्ति निकाले, महापुरुष वो है जो हर दूसरे साल विज्ञप्ति निकाल रहा है तो उसकी निष्पक्ष जाँच करवाए, उसका निष्पक्ष रिजल्ट निकाले टाइम टू टाइम सब चीज़ें, ये कोई महापुरुष के लक्षण नहीं है। महापुरुष अगर आप ये समझते हैं कि आप भगवाधारी हैं, किसी भी प्रकार का वस्त्र आपने धारण किया है, आप अच्छा बोल लेते हैं, तो ये कोई बात नहीं। कहा जा रहा आप लोगों को पैसा मिलता है विरोध करने का, हिंदुओं का, हिंदू देवी देवताओं का, देखिए पैसा बड़ी फंडिंग हो रही है आप लोगों को। ऐसा होता तो हमारे भी अडानी और अंबानी जैसे कई भी, हमने अभी तक अपने प्राइवेट बैंक खोल लिए होते और कई सारे हमारे भी मॉल्स होते, बट अभी तक ऐसा है नहीं। और ऐसा आप हिंदुओं के खिलाफ बोलती है, किसी दूसरों के खिलाफ बोलते नहीं आप लोग? नहीं, किसने कहा? हिंद बनाना चाहते हैं उनके खिलाफ कभी नहीं बोला आप लोगों ने? देखिए आपने बात ही शुरुआत हिंदू धर्म से की है तो हमने हिंदू धर्म में अपने पक्ष रखे हैं। आपने पुरुषों और महिलाओं में बात करी, हमने महिला के पक्ष में बात रखी। आपने युवाओं के बारे में नहीं पूछा, हमने तब भी उसके बारे में बात रखी। आप जो पूछेंगे हम उसका जवाब देंगे। गजवाए हिंद बनाना चाहते हैं, इनके लिए क्या कहना? देखिए ऐसा है, हर किसी की अपनी अपनी धारणा है कि कौन क्या चाहता है, बट होता वही है जो मेजोरिटी चाहती है। और भारत के हर दूसरे नागरिक का अधिकार बनता है कि वो अपनी बातों को रखे, उसी में से हम भी एक 140 करोड़ जनसंख्या का हिस्सा हम भी है, और हम डेफिनेटली ये चाहते हैं कि भारत की पहचान हो तो सिर्फ और सिर्फ संविधान से हो और बाबा साहब के द्वारा लिखे गए संविधान से। उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर युवाओं का विरोध चल रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, युवाओं का विरोध चल रहा है, मैं भी उस विरोध में शामिल थी और आज गोलमेज सम्मेलन था तो यहाँ पर भी आना ज़रूरी था, क्योंकि जिन बाबा साहब का हम अपने जीवन में उदाहरण देते हैं तो उन बाबा साहब ने अपने जीवन में एक हमें ये भी सीख दी थी कि अपने कितने ही निजी काम क्यों ना हो, लेकिन समाज हित में जब भी आवाज़ उठाई जा रही हो तो उसे हमेशा प्रेफरेंस देनी चाहिए। तो इसी प्रकार से मेरा भी कल एग्ज़ाम है, लेकिन फिर भी मैं आज आप लोगों के बीच में यहाँ पर हूँ। और उत्तराखंड में जो इशू है वो सिर्फ इतनी सी बात है कि उत्तराखंड में कई सारी परीक्षाएं हुई और जो परीक्षा होने के बाद 2-3 दिन बाद पता चलता है कि परीक्षा लीक हो गई है। तो ये कैसा इन्होंने, कैसा इनका सिस्टम है जो परीक्षाएं लीक हो जाती है? बच्चा भरोसा करे तो किस पर करे? इनके लिए बहुत आसान होता है कि इस बात को कह देना कि अब दोबारा परीक्षा होगी, बहुत आसान होता है कि 1-2-3 साल बाद परीक्षाएं निकली, लेकिन कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल एज पर होते हैं, उनकी जो उम्र होती है वो बिल्कुल लास्ट एंड पर होती है और वो उस भीड़ से अलग हो जाता है। पर ये मुद्दा नहीं बनता ना मीडिया, मीडिया में बड़ा मुद्दा बनता है कि राम मंदिर कब तैयार हो रहा है, 2024 में कब कब दर्शन होने रहा है। अगर मैं बात करूं तो युवा बेरोजगार को इस बात से बिल्कुल भी मतलब नहीं है, एक रत्ती मतलब नहीं है कि वहां पर राम मंदिर बने या कुछ और मंदिर बने। इस बात से मतलब है कि हम लोग शिक्षित हैं और हमें रोजगार चाहिए। और आपके चैनल के नाम से, आपके चैनल के नाम से मैं आग्रह करना चाहूंगी माननीय प्रधानमंत्री महोदय से, राष्ट्रपति महोदय से और सीएम पुष्कर सिंह धामी जी से कि युवाओं की परेशानियों को समझे। हर कोई बहुत सक्षम परिवार से नहीं होता है। मैं अगर अपनी बात करूं तो किसी एग्जाम को देने के लिए बच्चा जाता है, किराया लगाता है, वहां स्टे करता है, बहुत सारे अन्य खर्चे हो जाते हैं और आपके लिए बहुत आसानी होती है इस बात को कहना कि परीक्षा लीक हो गई। इस समय नया ट्रेंड फॉलो किया गया है कि आपकी यूटीसी की बसेस जो है वो फ्री कर दी गई है, लेकिन सिर्फ बसेस फ्री करने से कुछ नहीं होता है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आने वाला जो भविष्य है वो सिर्फ युवा है और पढ़ा लिखा युवा अगर पकोड़े तल रहा होगा तो ये कोई भारत की शोभा के बिल्कुल ये भारत को शोभा नहीं। आत्मनिर्भर है ना, देखिए मंदिर के नाम पर वोट भी मिल रहा है। क्या मिल रहा है? वोट मिलता है, सरकारें बन रहा है, सरकारें बन रही है, वोट मिल रहा है। देखिए ये तो अब भारत की लोकतंत्र का हिस्सा है कि सरकार ने बनना ही बनना है, लेकिन सरकार बने और बिगड़े ये पूरा जनता के हाथ में। जिस प्रकार से युवा आक्रोशित है तो इसका जवाब सरकार को जरूर देखने को मिलेगा और बहुत जल्दी देखने को। कहा जा रहा जितने भी ये हिंदू धर्म ग्रंथ है महिला विरोधी है, आपने जैसे भी अभी कहा कि महिलाओं को दिया सरकार। नहीं, मैंने ये नहीं कहा है कि सभी धर्म ग्रंथ हिंदू विरोधी हैं, महिला विरोधी। हाँ, महिला विरोधी है, ये मैंने बिल्कुल नहीं कहा है, पर मैंने ये कहा है कि भारत की पहचान जो है पुरुष प्रधान भारत से है, इसे अगर महिला प्रधान कर दिया जाए तो ये मेरा विचार है, हो सकता है आपका कुछ और हो। तो ये इस बात पर ये बात थी कि हर कोई अपनी बातों को स्वतंत्र तरीके से रख सकता है, वो डिपेंड करता है क्या आगे फॉलो होगा। ये पिछले नेता जो कह रहे हैं कि हम हिंदू नहीं हम शूद्र हैं, तो क्या बदलाव आ रहा है क्या? हाँ बिल्कुल बदलाव आएगा, और ये जरूरी भी है कि आप अपनी पहचान के साथ जिए। अगर हम जनरली ये देखा जाता है कि लोग शहरों में आ जाते हैं और अपनी जातियों को बदल देते हैं और तब इस नारे को देते हैं कि शहरों में जातिवाद नहीं है,
जातिवाद का तो पता तब चलेगा जब आप अपनी वास्तविकता के साथ जिएंगे। आप शहरों में आते हैं, अपने कास्ट को बदल देते हैं, तो इसलिए आपको उस बात की जानकारी नहीं है। पर गांव में जाए जहां उनके पूर्वज वहीं से बिलोंग कर रहे हैं, उनको इस बात का सामना करना पड़ता है। जातीय जनगणना हो रही है ना, आप देखिए। हाँ, जातीय जनगणना हो रही है, अभी तक तो इसकी कोई ऐसी पुख्ता खबर नहीं आई कि भारत में भी हो रही है। मैं बता रही हूँ, भारत की इसकी कोई पुख्ता खबर नहीं आई है, बिहार में हो रही है। तो ये बहुत ही अच्छा, बिहार सरकार ने ये निर्णय लिया है और इसे पूरे भारत में लागू होना चाहिए। और जैसे कि हमारे डॉक्टर उदित राज और डॉक्टर ओम सुधर जी हमेशा इस बात को कहते हैं कि हमेशा हम इस बात की अपेक्षा करते हैं कि जितनी हमारे भागीदारी है, जितनी हमारी जनसंख्या है, उतनी हमारी भागीदारी भी हमें मिलेगी। जहर फैलेगा जातीय जनगणना से, नहीं, अगर इससे जाति का जहर फैलेगा तो आज से पहले क्यों नहीं फैला? जब आज से पहले जो ब्राह्मण वर्ग था और जो उच्च कोटि का वर्ग अपने आप को कहते हैं, तब ऐसा क्यों नहीं महसूस हुआ कि जाति का जहर फैलाया जा रहा है, कि आप दूसरे व्यक्ति को बहुत सारे संसाधनों से आप वंचित रख रहे हैं? तब ऐसा ख्याल क्यों नहीं आया कि जाति विहीन समाज बनाने की बात हो रही है? बिल्कुल जाति विहीन बननी चाहिए ना, पर जाति विहीन तब बननी चाहिए कि जब केदारनाथ और बद्रीनाथ के मठ पर कोई वाल्मीकि समाज का कोई व्यक्ति विराजमान होगा। अब हिंदू राष्ट्र बनेगा भारत, हिंदू राष्ट्र बनेगा। देखिए सर, सबकी अपनी अपनी इच्छा है, अपने अपने विचार रखने की, लेकिन हम इस बात को डंके की चोट पर कहते हैं कि भारत की जो पहचान होगी सिर्फ संविधान के आधार पर होगी। और आर्टिकल नंबर 25 हमारे लिए सर्वमान्य है कि व्यक्ति को हर धर्म की चूज करने की यहाँ पर स्वतंत्रता है। तो डेफिनेटली हम तो इस बात को मानते हैं। और मैं तो हमेशा ये बात कहती हूँ कि जिस प्रकार से आपने भी दोबारा से बीच में पंच किया हिंदू राष्ट्र, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी हिंदू राष्ट्र की अगर आप बात करें तो आपके क्या ख्याल है APJ अब्दुल कलाम साहब के साथ? मतलब उनकी तो जब भी आप छवि देखते होंगे तो आपको तो सिर्फ एक मुसलमान के सिवाय कुछ नजर नहीं आता उनकी उपलब्धि। इसी रास्ते से बनेगा कथावाचक जितने, तो जब आपने कथावाचक का जिक्र ही किया तो उनका नाम भी बता दीजिए कि कौन है। शास्त्री कह रहे हैं, तो धीरेन्द्र शास्त्री जी तो आज की डेट में, हाँ डेफिनेटली। तो अगर आप कभी जाएं और उनसे इंटरव्यू लें, तो मेरा भी एक उनसे एक सवाल है कि जोशीमठ में अभी बड़ी आपदा आई है, जोशीमठ चमोली जनपद में है, तो वहाँ कभी वो कुछ बता दे कि वो कैसे सुलझेगा? अभी आपने देखा होगा कि भूत निकालते हैं, वो भूत पर नहीं, भूत निकालते हैं तो जो ज्ञानी है तो वो तो हर चीज बता सकते है ना, वो आगे और पीछे सब कुछ बता सकते हैं। तो भारत को तो अब कष्ट विहीन हो जाना चाहिए। लोग उनका ज्ञान कहाँ चलने दे रहे हैं, अंबेडकरवादी नए नए? बिल्कुल, हम अंबेडकरवादी है ना, हम तो विज्ञानवाद सोच के हैं, हम तो इस पाखंड को बिल्कुल मानते ही नहीं है। ये तो यही तो हमारी पहचान है, वो दिव्य शक्ति है। तो यही तो मैं भी आपको कह रही हूँ कि दिव्य शक्ति है। तो जोशीमठ का केस है, ऐसे तमाम इतनी सारी एट्रोसिटीज हो रही है, ऐसा विश्व ज्ञानी व्यक्ति अगर हमारे पास है तो उन्हें बिल्कुल संरक्षित रूप से रखना चाहिए और आने वाली हर समस्याओं का हल उन्हीं से पूछना चाहिए। और अगर वो जवाब देने में असमर्थ रहे तो उनको फिर दोबारा जवाब देने के लिए अर्जी लगानी पड़ती है, उनके दरबार में जाना। बिल्कुल लगानी चाहिए, मोदी जी को सबसे पहले उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। अभी जो हमारे उत्तराखंड के युवा बेरोजगार है उनसे भी आग्रह किया जाएगा कि वहीं जाकर अर्जी लगाइए। हमारे यहाँ ये आपने जो पाखंड की बात कही है तो इस चीज का कहते हैं ना कि पहाड़ी राज्यों में बहुत ज्यादा होता है, तो बिल्कुल हम लोग भी चाहेंगे कि मैं अपने युवा साथियों को इस बात का सुझाव दूंगी कि वो विश्व गुरु के पास जाने की आवश्यकता है। से जरूर हमें UPSC PCS सारे के सारे प्रश्न पत्रों का, जितनी भी हमारी समस्याएं, सब हल वहीं से मिलेगा। चलो ठीक जी, बहुत बहुत।